अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो को बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के स्पेक्स देखेंगे और इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इसकी लॉन्च डेट क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस डिवाइस की बिल्ड की, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10OS देखने को मिलेगा। UI की बात करें तो iOS 6.0। इस डिवाइस की बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड है। दोस्तों, बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। इस डिवाइस की डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, यहाँ हमें डिस्प्ले जो देखने को मिल रहा है वो IPS LCD डिस्प्ले है। डिस्प्ले साइज 6.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ हमें 720x1600 पिक्सल के रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ इस डिवाइस में प्रोसेसर बहुत ही डाउनग्रेडेड दिया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पार्क 5 प्रो में हमें कोई बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मगर नहीं। दोस्तों, यहाँ हमें ऑक्टाकोर CPU दिया गया है। और चिपसेट की बात करें तो ये हीलियो A25 की बहुत ही डाउनग्रेडेड चिपसेट है। दोस्तों, ये गेमर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हम मेमोरी की ही बात करें तो या स्टोरेज, हमें 1 4GB रैम देखने को मिलेगी और 64GB रोम देखने को मिलेगी। एक ही वेरिएंट कंफर्म किया जा रहा है टेक्नो की जानिब से कि ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जबकि 256GB तक का मेमोरी कार्ड भी आप इसमें लगाकर अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ हमें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा डिपार्टमेंट इस मोबाइल का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि दोस्तों टेक्नो ने अब इरादा किया है कि वो पाकिस्तानी मार्केट में कैमरा को फोकस करके अपने अपकमिंग जितने मोबाइल हैं वो लॉन्च करेगा। दोस्तों, यहाँ भी टेक्नो ने बैक साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप दिया है, जिसके अंदर हमें 16 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और जो रेक्टेंगुलर शेप में है वो काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। दोस्तों, अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ 8 MP का डॉट डिस्प्ले में कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे इस डिवाइस की बैटरी डिपार्टमेंट की, जो इस डिवाइस का सेकंड हाईलाइटिंग फीचर है। यहाँ हमें काफ़ी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो 5000 mAh की है। दोस्तों, यहाँ हमें किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं देखने को मिलने वाली, तो मतलब 5000 mAh की बैटरी काफ़ी टाइम लगाएगी 10W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। दोस्तों, मैं समझ रहा था कि यहाँ 18W की फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी, मगर नहीं, 10W की मिलेगी दोस्तों आपको। यहाँ इस डिवाइस की प्राइस की बात करें तो यहाँ हमें ये डिवाइस 20 से 22 हज़ार के दरमियान कहीं भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी। अभी इसकी प्राइस कंफर्म नहीं है, मगर लॉन्च डेट इसकी कंफर्म हो गई है। ये पाकिस्तानी मार्केट में आज से 5 दिन के बाद लॉन्च कर दी जाएगी।